नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। दोस्तों दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं। पहली अपडेट है CET परीक्षा को लेकर के और दूसरी अपडेट है सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि बायोलॉजी को साइंस में शामिल कर लिया गया है। क्या है दोनों न्यूज़ की हकीकत, जान लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग CET परीक्षा को लेकर के कि अब किस तारीख को इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। तो दोस्तों विभिन्न न्यूज़ पेपर में ये न्यूज़ आ चुकी है, यानी ई न्यूज़ पेपर जो होता है, ठीक है, डिजिटल पेपर जिसको आप लोग कह सकते हैं, यहाँ पर CET की परीक्षा डेट जारी कर दी गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट लगाई गई, बिल्कुल अभी की अपडेट है। 4 नवंबर 6:07 शाम की अपडेट है और लिखा जो आप लोगों की परीक्षा होगी वो CET की अब January 31, 2021 को करवाई जाएगी। यानी CET July 2020 जो कि जुलाई यानी 5 को होना था एग्ज़ाम, अब इसको 31 जनवरी 2021 को इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम की डेट CET की घोषित कर दी गई है। आज आप लोग जानते हैं कोरोना कारण इसकी परीक्षा तिथियां पोस्टपोन्ड करनी पड़ी। आखिरकार आज CBSE ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। जितने भी लोगों ने CET के लिए अप्लाई कर दिया है, अब आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जनवरी 31 को आपकी परीक्षा करवाई जाएगी, ठीक है। तो CET को लेकर के ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दूसरी अपडेट दोस्तों है बायोलॉजी को लेकर के। सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर कई जगह यह मैसेज वायरल हो रहा है कि बायोलॉजी को साइंस में शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी ऑफिशियली रूप से कोई भी यहां पर न्यूज निकल के नहीं आई है। इसी के चलते जो बायोलॉजी लीगल टीम की अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने बायोलॉजी को कोर्ट में केस किया हुआ था, ठीक है, जिन्होंने 2016 एग्ज़ाम के बारे में भी, जिसके तहत आदेश हुआ है कि 2016 का एग्ज़ाम करवाया जाएगा, उनकी तरफ से यानी बायोलॉजी लीगल टीम की अभ्यर्थियों की तरफ से, आलोक राय की तरफ से ये पोस्ट लिखी गई और यहाँ पर बताया गया है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। लिखा है, साथियों ऐसी कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं आई है जिसको आधार बनाकर के हम कह सकें कि बायोलॉजी को विज्ञापन में शामिल कर लिया गया है। इसलिए आप सभी मित्रों से गुजारिश है कि आप लोग इस न्यूज को लेकर के उत्साहित या परेशान ना हो। जो न्यूज वायरल हो रही है उसकी सत्यता ये है कि वो आश्रम पद्धति की वैकेंसी में TGT साइंस की एलिजिबिलिटी का पेज है, पर कुछ साथी इसे भ्रमवंश TGT साइंस की एलिजिबिलिटी समझ न्यूज़ को वायरल कर दिया है। इसलिए आप लोग इसको लेकर के तनिक भी संदेह मत पालिए। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि चयन बोर्ड द्वारा ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। तो इनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि ऐसा कुछ अभी नहीं है। आश्रम पद्धति की TGT साइंस की एलिजिबिलिटी का वो पेज है जिसको लोग गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो TGT साइंस का है, ठीक है। तो फिलहाल इनका कहना है कि 5 नवंबर तक इंतज़ार किया जा रहा है बायोलॉजी का। अगर शामिल कर लिया जाता है तो कर लिया जाता है, नहीं तो फिर आखिरी रास्ता कोर्ट है। आप लोग देखे हैं कि 2016 में चयन बोर्ड ने तो भर्ती ही पूरी कैंसिल कर दी थी और कोर्ट ने आदेश दिया कि 2016 बायोलॉजी की परीक्षा करवाई जाए। हालांकि अभी परीक्षा की डेट तो घोषित नहीं हुई है, लेकिन परीक्षा की डेट तब तो चयन बोर्ड घोषित करनी ही पड़ेगी और परीक्षा भी करवानी पड़ेगी। तो अब जितने भी बायोलॉजी अभ्यर्थी हैं वो इस बात को लेकर के अब ये कह रहे हैं कि 5 नवंबर तक चयन बोर्ड ने आश्वासन दिया, तो 5 नवंबर तक हम इंतजार कर लेते हैं। कल 5 नवंबर उसके बाद सीधा हाई कोर्ट में केस दाखिल होगा बायोलॉजी को शामिल करने के लिए 2020 भर्ती में, ठीक है। तो जो न्यूज़ वायरल हो रही है उसकी हकीकत मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट आती रहेंगी हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।